So guys, मैं यूनिवर्सिटी आ गई हूँ एंड नाउ आई एम एट माई रूम. ये मेरा एक छोटा सा रूम है. तो ये यूनिवर्सिटी कैंपस के घर ऐसे ही हैं बने हुए. तो इसको मैंने कुछ अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है. एज यू कैन सी द बैकग्राउंड, मेरी पिक्स एंड ऑल. सो आई तो वैसे 2 डेज के लिए हूँ. देखते हैं क्या मस्ती करेंगे. आज तो मेरा फर्स्ट डे है एंड इन बिटवीन मेरी कज़न का भी बर्थडे है इसमें, तो वो भी मैं डेफिनेटली आपके साथ दिखाऊंगी आपको कैसा गया उसका बर्थडे. तो टिल देन आप इंजॉय करते रहिए मेरा यूनिवर्सिटी का ब्लॉग भी. थोड़े बहुत आपको यूनिवर्सिटी के कुछ खास जगहों पे भी दिखाऊंगी अगर मेरे को जाने का टाइम मिला तो. अदरवाइज सारा की नानी के घर इंजॉय कीजिए यूनिवर्सिटी में. तब तक के लिए देखते रहिए मेरा ब्लॉग एंड तक. This is like, तो आप ये देख सकते हैं ये मेरी स्कूल टाइम की है. जब मैं सेकेंड क्लास में थी ये मेरा कॉलेज का है. ये मैं डीएवी स्कूल 15 से पास आउट हूँ एंड ये मेरा शिष्य निकेतन का ग्रुप है. ये सब मेरे कॉलेज गोइंग, ये मेरी फ्रेंड है कॉलेज में एंड ये मेरी फ्रेशर्स पार्टी की है. ये मेरी चाइल्डहुड पिक्चर्स भी हैं इसमें. ये वाला कोलाज मुझे गिफ्ट किया था मेरी फ्रेंड ने. तो इसमें आप देख सकते हैं मेरी कितनी सारी पिक्चर्स है, वन विद माई फ्रेंड्स एंड विद माई कोलाज. ये सारे मैंने पोर्टफोलियो बनवाया था अपना. ये मेरी शिमला गोइंग की है और ये मेरा अपना पिक्चर जो मैंने खुद पोस्टर बनवाया था अपना. तो यहाँ मैं मम्मी के साथ बैठी थी तो डिस्कस कर रहे थे कि रात को कहाँ खाएंगे कहाँ जाएंगे. तो इसी में ही हम बातचीत कर. के साथ कहीं घूम के अभी तो देख सकते हैं कि मेरा हालत क्या बनी हुई है. आई नो पास से ही आई हूँ लेकिन फिर भी आई हैव टू लाइक लुक प्रेजेंटेबल बिकॉज अभी बहुत ही गंदा है. माई हेयर इज़ ऑल्सो वेरी ऑयली राइट नाउ. कल वॉश करूँगी. आई होप कल मैं आपको कहीं लेके चलूँगी, थोड़ा इन्जॉय करेंगे क्योंकि सायरा को घुमाऊँगी फिराऊँगी कल. तो देखते हैं मज़ा आएगा कल भी. तो अभी सोच रहे हैं डिनर के लिए हम कहाँ जाएँ, कुछ देखते हैं कहाँ जाते हैं. चलिए आप इस मेरे साथ जरूर चलिएगा, देखिए कहाँ चलती हूँ मैं. तो हम मम्मी ने कुछ घर के लिए नमकीन बिस्किट, तो हम खालसा में गए थे जो सेक्टर 22 में है. बहुत फेमस है ये शॉप एंड यहाँ से हमने कुछ बिस्किट्स केक्स बाय किए एंड साथ में कटानी था. तो वहाँ से हमने सोचा कुछ मोमोज खाए थे क्योंकि मेरे मम्मी के फेवरेट हैं मोमोज. तो हमने यहाँ पे वेज मोमोज ट्राई किए विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड उनकी चटनी बहुत स्पाइसी थी लेकिन बहुत मज़ा आया खा के. उसके बाद मैं घर आई तो मुझे थोड़ी और भूख लगी. तो मम्मी ने मेरी बेस्ट थिंग बनाई, चूरी जो कि बहुत ही टेस्टी थी, देसी घी की परांठे की चूरी एंड विद दिस मीठा अचार एंड दिस इज़ द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन. एंड फिर रात को ब्रदर लेट 10 o'clock आया तो उसने मुझे सब्वे खाया, तो उसके साथ मैंने मम्मा और मैंने शेयर करके सब्वे खाया था. ये है पनीर टिक्का सब पनीर. तो लास्ट ने मैंने खाने के साथ मम्मा ने घर पे गाजर का हलवा बनाया था विद खोआ, बहुत ही टेस्टी था. गाइज हम ब्रेकफास्ट करके चल पड़े हैं. जैसे आप देख सकते हैं सारी पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर हमारा कैंपस है. तो ये मेरे राइट साइड पे मार्केट्स हैं एंड इस साइड डिस्पेंसरी है जो यूनिवर्सिटी की एंड ये जाती है लाइट सीधा 15 सेक्टर को जो कि राइट पे है 15 सेक्टर एंड सीधा है 10-11 सेक्टर. तो अब हम चल पड़े हैं घूमने के लिए जाकिर रोज़ गार्डन सेक्टर 16 में. वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे एज अ पिकनिक काइंड ऑफ. तो हम घर से अपने लिए फ्रूट्स लेके गए थे सायरा के लिए एंड वहाँ पे इंजॉय करेंगे.
सो गाइस मैं आई हूँ आज अपना डे स्पेंड करने रोज गार्डन। तो आइए दिखाते हैं कैसा है हमारा रोज गार्डन चंडीगढ़ का सेक्टर 16 का। मैं एंट्री कर रही हूँ बैक साइड से। हम धूप का इंजॉय करने आए हैं यहाँ रोज गार्डन में, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हवा चल रही है, ये नहीं प्रॉपर गर्मी भी नहीं है, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ रोजेज हैं प्यारे प्यारे से, ये देख सकते हैं ये रेड रोज। दिस इज लुक सो ब्यूटिफुल एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है। धूप इतनी अच्छी है, यू नो आज अब विटामिन डी हम ले रहे हैं पूरा पूरा। तो यहीं पे थोड़ा बहुत हम अपने फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, क्योंकि घर में था कि क्या पूरा दिन करेंगे। तो मैंने सोचा कि ना सायरा को लेके हम रोज़ गार्डन चलते हैं, जो कि बहुत फेमस है चंडीगढ़ में, जाकिर रोज़ गार्डन सेक्टर 16 में। तो आइए करते हैं इंजॉय। मंडे को मैं आ गई थी घर वापस, एंड तो ट्यूसडे को था मेरे कज़न का बर्थडे, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करी थी, लाइक मास्किंग, कुछ हेयर कलर एंड ऑल। गाइज आज है सरयू का बर्थडे, एंड मैंने ऑलरेडी उसके लिए बुके भेज दिया उसके घर पे। तो नाउ आई एम गेटिंग रेडी कि आज वो पार्टी दे रही है मुझे लैंटे में, मतलब सारी मेरी मासी, मेरी मम्मा, सब हम जा रहे हैं लैंटे में। गाइज सरयू के घर पहुँच गए हैं, तो ये उसके फ्लावर्स, बुके सब उसको गिफ्ट मिले। एनी मेरी मासी है, छोटी मासी, ये है बर्थडे गर्ल, ये मेरी मम्मा है। सो उसके घर में बहुत अच्छा सेलिब्रेट, मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ था, एंड बहुत ही सुंदर लग रहा था सरयू का ये ड्राइंग रूम। तो ये है हमारी बर्थडे गर्ल, जो बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए हम बाहर घूमने। तो वहाँ पे उन्होंने चिलीज़ में अपने सरयू का बर्थडे सेलिब्रेट किया, लाइक दे आर सिंगिंग हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। Thank you.
आज बहुत ही बढ़िया लंच करा एक्चुअली इसमें, एंड वी आर हेडिंग टू आवर होम। सो देखते रात को भी सर यू पार्टी कहाँ देगी, तो मैं अगर गई तो डेफिनेटली आपको शेयर करूँगी। इज अ न्यू फूड आउटलेट है पेंगू साबी। दिस इज अ लिटिल मिनी टू लाइक हिम ऑल फूड कोर्ट। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।